जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर आपके चाहते यंग वेटरन स्क्वाड लीडर दीक्षित सर हैं त्रिशूल के स्टूडियो में। सर, पिछली वीडियो में आपने बताया था रोल ऑफ कम्युनिकेशन, आपने अपना एग्जांपल बताया था कि कैसे अलग अलग मंचों पे लगभग 20 बार आपने हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया और भारतीय वायुसेना को रिप्रेजेंट किया। यही कम्युनिकेशन एक बाधा बन जाती है एसएसबी के पहले पड़ाव में। बिल्कुल, यही कम्युनिकेशन एक मेजर रीजन बन जाता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के स्क्रीनिंग टेस्ट में। बिल्कुल, आज भी 70% कैंडिडेट्स स्टेज वन से स्क्रीन आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, और आपने बताया था आप खुद 2-3 बार स्क्रीन आउट हुए थे। तो स्क्रीनिंग के लिए आप कैंडिडेट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे सर? मेरा अपफ्रंट पहला सवाल आपको कि आप स्क्रीनिंग के लिए क्या ऐसा करेंगे, क्या दीक्षित सर का फॉर्मूला होगा जिससे कैंडिडेट स्क्रीन इन हो? बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफिकल्ट सवाल आपने पूछा है सर, और ये ठीक वैसा ही सवाल है कि अभिमन्यु ने बोला कि मैं चक्रव्यूह में घुसना तो जानता हूँ लेकिन निकलना नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि मैं अंदर घुसना नहीं जानता हूँ, निकल तो मैं आऊंगा। पहले दिन लौट तो तो स्क्रीन इन कैसे हूँ, तो स्क्रीनिंग कैसे हूँ? तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद 3 बार स्क्रीन आउट हुआ और अल्टरनेट हुआ। पहली एसएसबी में स्क्रीन आउट हुआ, अगली में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और फिर अगली में स्क्रीन आउट हो गया। अच्छा, तो मैं बड़ा हैरान था कि अभी पिछली बारी तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, इस बार मैं इसके भी लायक नहीं हूँ। मैंने अगली एसएसबी दी तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फिर उसकी अगली दी तो फिर स्क्रीन आउट हुआ। एंड मैं अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेरे लिए एसएसबी पार करने में कई स्टेजेस पार किए हैं। मैं आई कुड गेट रिकमेंडेड इन माई 9th अटेम्प्ट। ओके, और लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे एफर्ट्स इतने तेज थे कि ये सारे 9 अटेम्प्ट मैंने 3 साल के अंदर दिए, यानी लगभग हर बार मैंने रिटर्न निकाला। वो आपकी जील दिखाती है, वो हर बार मैंने रिटर्न निकाला और 3 साल में 9 एसएसबी देके मैं 23 साल की उम्र में रिकमेंडेड भी था। तो मुझे जो भी गाइडेंस उस समय मिला था वो मेरे पापा से मिला था और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। और मैं उस समय जो हमारा दौर था उसमें यूट्यूब और इन सब का चलन नहीं था। हम एसएसबी के बारे में सिर्फ उतना ही जानते थे जो रिटायर्ड अफसर से हम सुनते थे, जो मैं रिटायर्ड अफसर से मिलता था उनसे सुनता था, बट मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का था। तो अब मैं आपको वो कला बताता हूँ जो मैंने खुद डिवाइस की और मैंने अपने फेलियर से सीखी ये होगा कैसे। नंबर वन, पहले तो मैंने ये जान लिया कि देखो मेरे पास हिंदी बोलने का तो अच्छी कला है, लेकिन इंग्लिश में मैं उन 12-13 लोगों के बीच में जब होता हूँ तो मैं उतना तेज़ी से अगर नहीं बोलूँगा तो मैं रिकमेंड नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर किसी बंदे को किसी को सेलेक्ट करना है तो वो अच्छे को ही सेलेक्ट करेगा। इफ़ समबडी इज़ बेटर देन मी सो डेफिनेटली आई विल पिक अप दैट वन ओनली। तो मैंने देखा कि स्क्रीनिंग में जो हमारे एस्पिरेंट्स उनको समस्या ये होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि सर इतने सारे लोगों ने अलग अलग स्टोरी बोली है तो एक कॉमन करेक्टर कैसे बनेगा और कॉमन चीज बाहर कैसे लेके आऊं। और उस बात को कहने के लिए मुझे हार्डली 5 मिनट मिले हैं, उस 5 मिनट में सब लड़ाई कर रहे हैं और जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो हार्डली 20 सेकेंड्स मैं बोल पाऊंगा, मेरी बात भी कंप्लीट नहीं होगी। तो जीटीओ को कैसे पता चलेगा कि भाई आप बोलने लायक है कि नहीं है, आपने काबिलियत है कि नहीं है? और ये हर बार मैं फील कर रहा था कि यार कहीं तो कुछ गड़बड़ होता है, कभी कभी मैं सही चला जाता हूँ, कभी कभी मैं गलत चला जाता हूँ। फिर मैंने बहुत मंथन किया उस बात का और इस बात को मैं अपने फेल्योर में बहुत जल्दी सीख गया था। हालांकि आगे मैं कॉन्फ्रेंस आउट भी होता रहा, मैंने अपने आप को वहां भी ठीक किया। और मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने आप को खुद ही कमियों से कोर्स करेक्शन देते देते मैं रिकमेंड हुआ हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे उतने साधन नहीं मिल पा रहे थे। मैं एक गांव के बैकग्राउंड का बच्चा था, मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं मुझे सिखाने वाले, समझाने वाले, एक्सपोजर देने वाले बहुत सारे लोग हों, तो मैं खुद ही कोर्स करेक्शन करता था। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर इस ट्रिक को कोई सुनता है और अपने आप में मंथन करता है तो वो उस बंदे के पास अपने घर में अगर 12 लोग प्रैक्टिस करने के भी नहीं हैं, वो सिर्फ मेरी बात को सुने और उसको अप्लाई कर दे उस जगह पे जब वो स्क्रीनिंग देने जा रहा है।
तो उसको जितना आउटपुट देना है वो उतने 20 सेकंड में दे देगा एंड ही विल बी नोटिस्ड. दिस आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. मैं बताता हूँ वो कैसे होता है जी. देखिए सबसे पहले तो ये है कि जब आपको एक स्टोरी दिखाई जाती है तो आपको ये देखना है कि इस स्टोरी में सभी 12-13 जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी स्टोरी बनाएंगे. अब आपको सेकंड टाइम में ये देखना है कि सपोज एक जंगल की स्टोरी आई थी, आपको सारे बच्चे बैठे हैं, एक जंगल की स्टोरी आई, तो आपने ये तो आपने परसेप्शन बना ही लिया कि हाँ भाई जंगल की स्टोरी है, तो जाहिर सी बात है कोई कितना भी ऑफ ट्रैक जाएगा तो कोई जंगल की बना लेगा, कोई गार्डन बना लेगा, कोई खेत की बना लेगा, लेकिन कोई बाल्टी तो नहीं दिखाएगा उसमें. नहीं तो आपने जब अपनी स्टोरी बना ली, पहली बात तो आपको वो स्टोरी बनानी है जो इसमें दिखाई जा रही है और जो एक जनरल परसेप्शन होता है. अगर जंगल दिखाए जा रहे हैं तो आप उसको जंगल गार्डन एग्रीकल्चर से ही बनाओ, आप एकदम ऑफ ट्रैक स्टोरी मत बनाओ. लुक फॉर जनरल परसेप्शन. जनरल पहले वो स्टोरी ही ऐसी होती है कि जो एक एक कॉमन स्टोरी टाइप होती है, कॉमन पिक्चर टाइप होती है. अब आपने अचानक से जंगल की उसमें थीम को AI से जोड़ के अपनी अलग स्टोरी बनाई हुई है, तो आप बताइए जब उसका डिस्कशन हो रहा होगा वहां पे तो कौन आपके पास आना चाहेगा. तो नंबर वन जो आप स्टोरी बना रहे हैं, आपने देखा कि एक बच्चा दौड़ रहा है, मान लीजिए एक बच्चा है बस वो दौड़ रही है, फोटो है, तो आपने उसको स्पोर्ट्स से आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स से मैं जोड़ सकता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ सकता हूँ उसको. मैं ये दिखा सकता हूँ कि बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत उसने कोशिश की वो फिर से दौड़ने लगा, क्रिकेट स्पोर्ट्स से जोड़ सकता हूँ. लेकिन उसी बंदे को मैं ये दिखाऊंगा कि उस बंदे का सामान चोरी हो गया था और वो रेलवे स्टेशन पे भाग रहा था, तो आपकी स्टोरी एकदम ऑफ ट्रैक हो जाएगी. तो एक तो ये ध्यान रखना है, मतलब हमें जनरल परसेप्शन वाले पॉइंट, जनरल परसेप्शन वाली कि हाँ मैं ये बना रहा हूं, इसमें फायर दिखाया गया है तो मैं आग से रिलेटेड ही स्टोरी बनाऊं, क्योंकि उन 12 लोगों में भी जब जो आपके साथ बैठे होंगे उनमें भी अधिकतर आप देखेंगे वो 12 फायर पे ही डिस्कस करेंगे. तो आपका आधा मुद्दा ये वाला क्लियर हो जाएगा कि कॉमन स्टोरी क्या है. तो जब आपने स्टोरी बनाई, आप गेट के बाहर चले गए, आपने कॉपी डिपॉजिट कर दी, उस स्टोरी में आपने पूछा जाता है कि मूड क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल क्या था, तो आपने देख लिया कि हाँ ये बंदा जनरली पॉजिटिव रहता है, बट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूट्रल भी कर सकते हैं. अब आप बाहर चले गए, बाहर जाकर के आप अपने ग्रुप के बंदों से नॉर्मल चाय पानी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जब बाहर खड़े होते हैं तो सब बंदे आपस में बात करते हैं, आपसे भी बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, तो आप उनकी बात सुनिए, भले ही आप किसी से बात मत कर रहे हैं, बट वहां जो बात हो रही है कि हाँ मैंने तो ये स्टोरी बना दी थी, मैंने तो ये स्टोरी बनाई थी, वो तो उसमें आग चल रहा था, मैंने फायर का, एंड उनकी बातें सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि जो आप अभी स्टोरी बना के आए उसमें जनरल परसेप्शन क्या है. वो सब चाय पी रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे और यही बात कर रहे होंगे कि हाँ मैंने तो ये बना दी, अरे मैंने तो उसको स्कूल का दिखा दिया, है ना. तो आपका सेकेंड थॉट भी क्लियर हो गया कि अब अंदर जो होने वाला है उसमें कॉमन स्टोरी लगभग यही होगी. अब यहाँ से थर्ड स्टेप क्या है, आप बैठे हैं और सेमी सर्कुलर पैटर्न में 1, 2, 3, 4 चेस्ट नंबर करके मान लीजिए 10 लोग आपके ग्रुप में थे सर, 10 में से अब यहाँ 3 प्रोबेबिलिटी बनेगी, या तो आपका 1 से लेकर 5 के बीच में आप बैठेंगे, या 5 से 10 सेंटर में कहीं आएगा, या लास्ट में 10 में होंगे. हम पहली प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि आप मेरा चेस्ट नंबर 1 आ गया, GTO आएगा, GTO बोलेगा कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, 1 by 1 यू हैव टू नरेट योर स्टोरी, यू विल बी गिवन 1 minute or 2 minute, एंड आफ्टर दैट द मोमेंट यू स्टॉप्स अनदर पर्सन विल स्टार्ट एंड ही विल स्पीक हिज नरेट हिज ओन स्टोरी. हमारी गलती क्या होती है, हम वेट करते हैं ग्रुप डिस्कशन कब होगा और सोच के बैठते हैं कि मैंने अपनी स्टोरी सुना दी, अब मैं भैया दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन कब होगा, मैं बोलूंगा. यहाँ हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, यही वो चीज आपने छोड़ दी है जब वो आपको लड़ने की तलवारें दे रही थी. जैसे ही आपने अपनी स्टोरी खत्म की है, अगर आपने स्टोरी फायर पे बनाई है किसी पिक्चर पे, यू हैव टू लिसन कि चेस्ट नंबर 2 ने किस पे बनाई है स्टोरी, 3 ने किस पे बनाई है, 4 पे किसने बनाई, सबकी स्टोरी ध्यान से सुनिए. चेस्ट नंबर 2 ने सपोज फायर पे ना बना करके दिखाई है कि एक बंदा दौड़ रहा था, आपने उस पे सुन लिया, बट आप वेट करिए कि आपने फायर पे बनाई है, आपको पता है, अब फायर का नाम दूसरी स्टोरी कौन लेता है. चेस्ट नंबर 3 ने अचानक से बोला कि सर देयर वाज अ नाइट एंड वहां फायर लग गई, आपने अपनी ऐसे उंगली रखी हुई है, आपने मन में ऐसे डाल दिया, ये ऐसे दबा दिया चेस्ट नंबर 3, अब आपको पता है कि एक मैं हो गया, चेस्ट नंबर 3 है जिसने फायर पे बनाई है. फिर स्टोरी आगे चली गई, चेस्ट नंबर 7 आया, उसने भी एक लाइन बोल दी कि सर ये वाली स्टोरी मैंने फायर पे बनाई है. उसके बाद 10वां नंबर था, उसने भी बोल दिया सर ये स्टोरी मैंने फायर पे बनाई है. तो आपको 10वां खत्म होने से पहले आपने ये दिमाग में रजिस्टर कर लिया कि भाई कॉमन स्टोरी का मुद्दा आ गया है मेरे हाथ में.
और आपने देख लिया, नोटिस कर लिया कि चेस नंबर 3, 7, 10 उन्होंने फायर पे बना लिए, जैसे ही आपने लास्ट आते आते ये नोटिस कर लिया, तो जब वो लास्ट अपनी तैयारी कर रहा है उसी टाइम आपने ये भी देख लिया कि फायर के अलावा क्या किसी ने कोई जंगल थीम कुछ तो बनाया होगा, तो आपने ये भी साथ में देख लिया सबकी सुनने के बाद कि चार तो फायर वाले हैं, बाकी सब रैंडम है, किसी ने पानी पे बना दिए, किसी ने किसी पे बना दिए, वो कॉमन नहीं हो सकती है, वो कॉमन नहीं हो रही है। जैसे ही दसवें बंदे ने खत्म किया तो उससे पहले ही आपको जीटीओ ने बोला था कि देयर विल बी अ नरेशन ऑफ अ स्टोरी, देयर विल बी अ ग्रुप डिस्कशन, इन ग्रुप डिस्कशन आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन समबडी हैज टू स्टैंड, ही हैज टू गिव 3 points, नंबर 1 व्हाट वाज द कॉमन स्टोरी, व्हाट वाज, टेल मी अबाउट द कैरेक्टर, एंड वन पर्सन विल स्टैंड, ही विल टेल द कॉमन कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, सबसे पहले जो अगर आपने स्टोरी कोई ध्यान से नहीं सुनेगा तो 70% फिल्टर का काम हो रहा था यहाँ पे। सही बात है, क्योंकि किसी ने किसी की स्टोरी सुनी नहीं है, वो अगले वाले पॉइंट पे तो जा रहे हैं कि मैंने ये बनाई है, इसमें आग दिखा रहा था, आग ही देखो, आग ही देखो, और वो उसने क्या बोला था, तीसरी चीज आपको बोली थी कि मुझे सिर्फ बता देना कि कॉमन क्या है, करेक्टर कौन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और कॉमन कंक्लूजन दे देना। तो ये जो डिस्कशन हो रहा था, दैट्स व्हाई ही टोल्ड कि तब आप एक मिनट बोलेंगे, जैसे ही होगा नेक्स्ट बंदा बोलेगा, इसमें ही सारा सूत्र छुपा हुआ था, यहीं से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन, जीटीओ भी जानता है कि 12 लोगों में से जो जिस बंदे ने ये कहानी सुनी होगी पूरी, वही बंदा मतलब की बात करेगा, और जिसने सुनी होगी ध्यान से वो अपने मतलब की ही बात करेगा, उस 20 सेकंड में नोटिस हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट, आपको खुश हो जाना चाहिए कि भाई अब मुझे फायर वाले बंदे मिल गए। जैसे ही दसवें ने खत्म किया तो जीटीओ हो सकता है बोले ओके जीडी स्टार्ट, या फिर वो पहले ही बोल चुका होगा कि ठीक है द मोमेंट फिनिशेस लास्ट पर्सन फिनिशेस यू कैन स्टार्ट अ ग्रुप डिस्कशन एज पर द इंस्ट्रक्शन, द मोमेंट ही फिनिशेस यू ट्राई टू बी द फर्स्ट स्पीकर एंड टेल विद अ लिटिल बिट लाउड वॉइस बिकॉज एवरीबडी उस मोमेंट में क्या होता है, सभी एक साथ ऊपर आते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको थोड़ा सा लाउड इतना ही रखना है कि आप उस ग्रुप की आवाज में से थोड़ा सा आपको सुना की आवाज आ जाए। आपको पहला सेंटेंस अपने घर में लिख लीजिए, अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत है, या आप उस समय भूल जाएंगे, या आपकी बहुत अच्छी स्पीकिंग है भूल जाएंगे, आप अपने घर में लिख कर रख लीजिए। उसको ऐसे लिखना है, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आफ्टर हियरिंग ऑल दी स्टोरीज आई फाउंड एज चेस नंबर 3, 7 and 10 हैव अ मेड स्टोरी ऑन फायर, सो वी शुड मेक अवर कॉमन स्टोरी रिलेटेड टू फायर। इतना बोल गया आप चुप हो जाइए, यू आर नोटिस्ड बिकॉज यू हैव हर्ड। और अब इसका अगला बेनिफिट बताता हूं क्या होगा, चेस नंबर 3, 7, 10 भी तो रिकमेंड होने आए हैं, तो भी आप तो उसी ग्रुप में लड़ाई हो रही थी, अभी आप अगर सिर्फ अपनी बात करते तो सारे अपनी बात बोलते। जैसे ही आपने 3, 5, 7 का नाम लिया तो जीटीओ ने रजिस्टर किया, इस बंदे ने अलर्टनेस दिखाई है, सबको इसको एक्चुअल पता है क्या हो रहा है ग्रुप में, क्या हो रहा है। और अब जब लड़ाई हो रही है तो आप चुप बैठे हैं और आपके बिहाफ में 3, 5, 7 लड़ रहे हैं, एंड दे आर नॉट काउंटरिंग यू बिकॉज दे आर बिकम योर फ्रेंड, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे, मेरे लिए मेरे सोल्जर्स आने कौन बोलने वाला है। अब क्या हो रहा है, जिन्होंने फायर के अगेंस्ट में स्टोरी बनाई है, मान लो किसी ने जंगल पे बनाई है, स्पोर्ट्स पे बनाई है, तो वो भी लड़ रहा होगा उसी टाइम पे, वो भी बोलेगा नो वी कैन सी वन पर्सन रनिंग सो वी कैन मेक ए स्टोरी ऑन दिस। तो उसमें क्या होगा कि जो 3, 5, 7 या 10 है वो बंदे उसी टाइम पे बोल रहे होंगे कि नो जेंटलमैन चेस्ट नंबर 1 हैज टोल्ड देयर इज अ फायर, वी हैव मेड अ स्टोरी, आई थिंक सब आपकी तरफ हो गए फॉर बात करने आपसे। अब क्या हुआ उसी ग्रुप में, और आप उनको क्या करना है, आपको उस टाइम पे उनको फिर सुनना है, लेकिन एंजॉय करते हुए कि भाई मेरा काम हो गया है, आई हैव डिक्लेयर्ड हु आर माय सोल्जर्स, दे विल बी फाइटिंग फॉर यू। अब क्या है, 3, 5, 7 वो जब आपकी तरफ लड़ रहे हैं तो आपको वेट करना है और ये देखना है सिर्फ कितना, हार्डली 30 सेकंड या 45 सेकंड, कि अब ग्रुप किधर जा रहा है, फायर की तरफ जा रहा है या फिर जंगल सीन की तरफ, जो अगली स्टोरी है, हो सकता है उनका जो ग्रुप बना है उधर ज्यादा हावी पड़, वो भी ज्यादा हावी हो जाए, उसमें कुछ ऐसे बच्चे हों जो अच्छे से एक्सप्रेस कर सके हों, और आप 3, 5, 7 थे, बाकी लॉट चला गया वहां पे, ये भी हो सकता है, और उसमें 2-3 और कलाकार होंगे जो अचानक से कूद पड़ेंगे और बोलेंगे नो वी शुड मेक स्टोरी ऑन गर्ल्स एजुकेशन, तो वो पूरा ही आउट ऑफ टर्न होगा, वो नहीं सेलेक्ट होगा, जो रिलेटेड नहीं होगा। अब आपको देखना है कि मेरी स्टोरी ऑलरेडी फायर की तरफ आ चुकी है, अब पहला केस फायर की तरफ आ गई है, अगेन यू इंटर एंड व्हाट यू हैव टू से, फ्रेंड्स एज वी डिस्कस दैट वी कैन मेक अ स्टोरी ऑन फायर एंड इन द पिक्चर आई एम एग्रीइंग दैट व्हेन एवरीबॉडी नैरेटेड द स्टोरी
एवरीबडी सेड दैट देयर इज अ करेक्टर हु इज मेल एंड हु इज अबाउट हुज एज इज अबाउट 25 इयर्स. सो आई थिंक दैट वी शुड मेक अ कॉमन स्टोरी ऑन फायर इन विच देयर इज अ मेल करेक्टर एंड हु इज स्टोरी इज 25. अगेन यू कीप शट. क्यों? आपने अपने पूरे ग्रुप को एक और नया रास्ता दिया. अब वो जो लड़ाई चल रही थी उसमें इतना सा डायरेक्शन आ गया, वो दूसरा. अब फायर हो गया. फायर के बाद अब उसने क्या बोला था, मुझे ये बता दो कॉमन स्टोरी क्या है, उसमें करेक्टर क्या कर रहा है, और लास्ट में मैं पूछूंगा कॉमन स्टोरी. एक बंदा खड़ा होकर बोलेगा. जैसे ही आप एक सच्ची बात को बोलोगे, बिकॉज सबने अपनी स्टोरी में यही लिखा है कि देयर इज अ मेल करेक्टर, सब आपसे अग्री, राम श्याम एंड एवरीबॉडी इन द Nobody can say for this, no, there is a girl. Yes, we agree with you. Yes, we agree with you. The moment you say, again you keep shut, let's see where the group is going. And वो GTO, आपने मतलब की बात की है, उसको पता है कि किस officer, किस बच्चे ने कितनी बात बोली है. He's just noting down. अगली जैसे ही वो हो सकता है वो देखेगा कि फायर हो गया, करेक्टर हो गया, तो आफ्टर वन मिनट और टू मिनट्स he may say, okay, ठीक है, one of you will stand and give a common conclusion. So my suggestion is, you don't stand, let others stand. Don't stand, but watch others. And this two minute mein jo discussion hua hai usme aapne identify kar liya hai ki isme teen jo hai communication acha bola hai, ek fire wala hai, ye bhi acha bola hai, to you can recommend. I think chapter number 10 I think you stand because you have delivered good points. To what he has delivered actually your points. सही बात है. ये सेवन ओनली फायर वाला तुम्हारा पॉइंट, मेल तुम्हारा पॉइंट, 25 साल का तुम्हारा पॉइंट. तो जैसे ही होगा तो बाकी आपने जैसे ही चेस्ट नंबर 10 का नाम लिया तो बाकी सारे बोलेंगे ओके ठीक है चेस्ट नंबर 10 यू स्टैंड. तो व्हाट वंस ही स्टैंड्स व्हाट ही सेड, गुड मॉर्निंग सर, आई एम चेस्ट नंबर 10 एंड वी डिस्कस्ड दैट देयर इज अ स्टोरी व्हिच इज बेस्ड ऑन फायर, देयर इज अ कॉमन कैरेक्टर, हिज नेम इज राहुल, हिज एज इज 25 इयर्स एंड सर ही देयर वाज अ टाइम ऑफ नाइट व्हेन द फायर ब्रोक आउट and with the help of friends and with his own techniques he extinguished the fire. Sir, thank you. Okay, ठीक, you all may go out. जैसे ही आप हॉल के बाहर जाएंगे आपसे हाथ मिलाने 357 आएगा. अब सुनिए, स्क्रीनिंग तो आप होंगे ही होंगे. अगली जो दो जीडी कॉन्फ्रेंस की हैं वो वहां भी आपके दोस्त बने हैं, वो वहां भी काउंटर नहीं करेंगे आपको. सही बात है. क्यों? क्योंकि मुसीबत के दौर पे आपने किया. अब इस ग्रुप में मान लीजिए तीन रिकमेंड हो गए, एक आप हो गए, एक चेस्ट नंबर 7 हो गया, और एक इनमें से भी कोई अच्छा बत्ता होगा. ऐसा नहीं है कि जो मैंने टेक्निक बताई है उसमें ये वाले बंदों का सब दब जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वो इतना जरूर देखेगा. अब मैं आपको उसको और एलेबरेट कर देता हूँ. वो क्या देखेगा? वो देखता है कि ग्रुप में कौन बंदे हैं जो टीम के साथ चलते हैं. अब मेरी टीम मैंने फायर पे बनाई थी, बट मेरा ग्रुप फायर की तरफ जा रहा था. मैंने जंगल पे बनाई थी, मेरा ग्रुप फायर की तरफ जा रहा था. मैंने उस चीज को एसेस किया और अपने को, मैंने खुद, अगर मैं उस जगह हूं, मैं वो भी टैक्टिक्स बताऊंगा. जब आपने जो बनाया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपने देखा सबने फायर बना ली, मैंने तो जंगल बना ली, अब मैं क्या करूं यहां से, मेरे तो कोई एग्री नहीं कर रहा है, तब मैं क्या करूं? देन यू बिकम द टीम लीडर एंड वॉट एवर यू हैव हर्ड जस्ट टेल, okay gentlemen, I heard that some of our friends have made a story on fire, some have made a story on jungle, but I feel that the more number of people have made a story on jungle, so we should make a common story on jungle, and we can include it like, we can conclude it like this, ki there is a fire in jungle, because you have made separate story on fire, they are on jungle, there is a fire broke out in jungle, in which with the help of local administration and with the help of villagers, they extinguish the fire. This is the way when you are just out of the way, but आपने क्या किया, पूरा फिर से लीड कर दिया. तो ये भी तो कोई नोटिस करेगा. तो जब जब मैंने इसको समझ लिया, शुरू में मैं सोचा था मैं क्या बोलूँ, इतनी भीड़ हो रही है, दो मिनट का टाइम है, 30 seconds का, और मैं उसमें मेरा कौन सुनेगा. तो मैं ये जान गया टाइम बहुत कम है, उसमें जो वैल्यूएबल बात करेगा और सिर्फ डायरेक्शन देगा, हिंट देगा कि क्रक्स ये है, क्रक्स ये है, क्रक्स ये है, ही विल बी नोटिस्ड. And same pattern you keep following in the GD during the main. And वहाँ पे भी बहुत बोलते कि यार उसकी English बहुत अच्छी थी, उसने अच्छे अच्छे point रखे, उसने पूरा GK आता था फिर भी नहीं हुआ. Because there is nobody standing there to understand how much you know. Because you are appearing to become an officer and they are already an officer. So they just wanted to know कि आपके अंदर किसी problem solving के दौरान पे मुख्य समस्या की जड़ पकड़ने की थोड़ी सी काबिलियत है, जिसको नरिश करके आपको कमांडर बनाया जा सकता है. तो वो अगर आप अभी इस बात को समझ लेंगे, और वो कैसे आएगी,
किसी पूरी एसएसबी में थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, पूरी एसएसबी में हर एग्जाम से पहले हर इंस्ट्रक्टर ये बताता है कि बच्चों अब आपका ये टेस्ट होने जा रहा है, उसमें आपको हम ये दिखाएंगे, उसमें आपको ये करना है। लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो जो भी सोच के आए हैं अपने घर से, वो जब बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरे से इंटरव्यूअर में जिस एसएसबी में मैं रिकमेंड हुआ था, उस इंटरव्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वाज योर सिक्स स्टोरी। तो अब मुझे कैसे याद होगी मेरी सिक्स स्टोरी क्या है, तो मैंने उसको यही रिप्लाई दिया था कि सर आई डोंट रिमेम्बर सर व्हाट वाज द सिक्स स्टोरी। तो बोला ओके, और उसने कुछ लिखा चला गया। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, मैं बाहर आया, मैंने अपने दोस्तों से बात की, मैंने कहा यार मेरे से पूछा व्हाट इज द सिक्स स्टोरी, तो उन्हीं में से एक बच्चे ने बोला कि मेरे से पूछा था व्हाट वाज योर सेवंथ स्टोरी। तो मैंने कहा तुमने क्या बोला, बोला मैंने बता दी उनको कि सेवंथ स्टोरी क्या है। तो जब वो नहीं रिकमेंड हुए और मैं रिकमेंड हो गया, उसके बाद मैंने उस पर मंथन किया। और वो जो बात आज भी याद है, अगर आप सच्चे हैं, जब उसने एसएसबी में पहले ही बोल रखा है कि व्हाट, उसका पहले ही लाइन है उसकी साइकोलॉजी टेस्ट की, वट एवर कम्स फर्स्ट इन योर माइंड जस्ट राइट इट डाउन, नाउ टेल मी आफ्टर 5 days If you remember that this was your sixth story, it means you had prepared. सही बात। So I replied कि सर मेरे whatever thought came in my mind, I made the story and I forget, I don't remember. But if you remember कि आपकी sixth story क्या है, seventh story क्या है, preconceived thought, तो आपने preconceived किया है। तो आपने अगर practice की भी है, VAT की है, TAT की है, सब करते हैं, मैंने भी की थी, but आपकी delivery कैसे करनी है वहाँ पे? आपको ये देखना है कि आपसे आप सब में कमियां होती हैं। मुझे भी अचानक से वैट नहीं आते थे, एसआरटी नहीं आती थी, स्टोरी में भूल जाता था, कभी कभी बन नहीं पाती थी, 6 लाइन में लगता था इसको खत्म कैसे करूंगा। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आप इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि अच्छा टेल मी वेयर डू यू रेट योरसेल्फ इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? भाई आई एम नॉट द साइकोलॉजिस्ट, आई केम फॉर एन इंटरव्यू, आई गेव वन एग्जाम, एंड here you can say कि सर I feel that during my psychological test in some of the stories or some of the word I could not produce correctly because मेरे से लिखा नहीं गया सर, मैं 6 लाइनें लिख पाया आगे की मैं भूल गया हूँ, मेरे से conclude नहीं। कितना pure और simple answer है ये, क्योंकि आपने अपनी गलती की थी, आपको ये याद हो सकता है कि मेरी 2 स्टोरी छूट गई हैं, बट आपको सारी स्टोरी याद है, वैट याद है, टैट याद है, आपको ये याद हो सकता है कि 60 में से आपने 54 की है, ये याद है, ये हो सकता है कि, तो यू कैन टेल कि सर आई रिमेंबर कि इन टर्म्स ऑफ वीकनेस सर, और इफ आई रेट माई सेल्फ सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सर इन आउट ऑफ 54 आउट ऑफ 60 सर आई कुड कंप्लीट ओनली 54 वैट सर, दिस आई हैड सीन सर, आई हैव काउंटेड सर व्हाट एवर द टाइम आई गॉट कि 5 to 6 सर आई हैव लेफ्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ये टेस्ट है कि जो वो पहली लाइन जो बोल रहे हैं, जो ब्रीफिंग दे रहे हैं, दे नो एवरीबडी हैज टेकन द ट्रेनिंग, एवरीबडी हैज कम विद द प्री डिटरमाइंड एक्शन, इवन इफ यू हैव कम देन ऑल्सो वेन यू डिलीवर इट, इट शुड लुक लाइक दिस कि वॉट एवर केम इन माइंड यू आस्क मी एंड सर आई प्रोड्यूस दिस इज द फैक्ट। तो ये जो मैंने आपको बताया ये स्क्रीनिंग का तरीका बनाया कि आप सारी स्टोरीज को सुनिए, नंबर वन मनी मन में देखिए आपने कहाँ पे ग्रुप ने क्या स्टोरी बनाई है, उसके बाद आप देखिए ग्रुप कहाँ जा रहा है, और जब आपको पहला, मान लीजिए आप पहली बार बोलना चाहते हैं आप नहीं बोल पाए हैं, दूसरी 2 मिनट हो गए आप नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आप डिलीवरी नहीं कर पाए, आपसे ज्यादा अच्छा कोई बोल गया वहां पर, तो आपने देखा कि मैं आज डिलीवर ही नहीं कर पाया, तो क्या उस ग्रुप में जबरदस्ती बोलने की जरूरत है? तो उसमें मैंने वो भी देखा है, वो बच्चा भी रिकमेंड हुआ जिसने कुछ भी ग्रुप में डिस्कशन नहीं किया बिकॉज ग्रुप वॉज गोइंग इन अ गुड मैनर, सो एट द लास्ट ही टोल्ड ओनली वन थिंग, वो अचानक से बीच में आया और हम सब उसको समझ रहे थे कि वो तो कुछ जानते नहीं, वो अचानक से आया बोला कि फ्रेंड्स आई फील दैट वी आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक एंड वी हैव मेड स्टोरी ऑन व्हाट हार्वेस्टिंग, सो आई थिंक जस्ट नंबर 7 यू कैन स्टैंड एंड यू कैन टेल योर स्टोरी बिकॉज यू हैड अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई रिमेंबर दैट यू यूज दैट द यूज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, एक सिंगल सेंटेंस जैसे उसने यूज किया तो दिस वाज द मैसेज टू हिम कि यार ही इज हियरिंग एवरीथिंग, गो कोर्स इज गोइंग ऑन ट्रैक एंड ही इज गोइंग इनटू दैट डीपर पार्ट, कि इसको ये याद है कि उसने मॉडर्न इक्विपमेंट की बात की है, उसने उसको नहीं बोला था, उसने जीटीओ को बोला था कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मुझको वो पता है। तो दिस वॉज माई ट्रिक एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इंस्ट्रक्शन उनको ध्यान से सुनिए, हम और भी आगे चर्चा करेंगे कि आप
कहाँ कहाँ पर आगे ग्रुप डिस्कशन में फंस सकते हैं। कई बार आपको टॉपिक्स का नहीं पता होगा, अचानक से वो टॉपिक मिल गया, आप कुछ नहीं जानते हैं और आपको बोलना पड़ रहा है। लेक्चरेट में आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए तो हम उसकी आगे भी चर्चा करेंगे और मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और बच्चों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर हमारे कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग टेक्निक से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, स्क्रीनिंग टेक्निक में बहुत मदद मिलेगी, PPDT में, नरेशन में, ग्रुप डिस्कशन में बहुत मदद मिलेगी। फिर से मिलते हैं सर, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।